हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल होप प्लस। और दोबारा आज हम आपके साथ हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज दोस्तों हम जानेंगे मोबाइल में अगर आप अपना रिज्यूम आप बनाना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी भी कंपनीज में आप जाते हैं, तो देखिए फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है हमारा रिज्यूम ही होता है, क्योंकि सबसे पहला जो है हम जो सामने वाले के ऊपर जो असर डालता है, जो हमारा डालता है, क्योंकि इंप्रेशन जो हमारी फर्स्ट होती है वो रिज्यूम पे ही होती है। तो रिज्यूम हमें एक ऐसा बेहतरीन बनाना चाहिए जिससे कि जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है वो बरकरार रहे, ठीक है। तो इसके पहले आपको बताना चाहूँगा, हमने हमारे YouTube चैनल होप प्लस पे जो है हमने ये रिज्यूम के रिगार्डिंग एक वीडियो डाल रखा है, यहाँ देख सकते हैं आप कि मोबाइल में रिज्यूम को एडिट कैसे करें या रिज्यूम कैसे बनाएं मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में। तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आज हम जानेंगे दोस्तों कि रिज्यूम की फॉर्मेट्स के बारे में, काफ़ी सारे फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे। और WPS ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर में जाएंगे और जैसे ही आप WPS यहाँ पे आप डालते हैं, यहाँ पे ये WPS आपके डालते ही जो है ये आ जाएगा WPS ऑफिस। ऑफिस डालेंगे यहाँ पे दिखा देगा, ये एक्चुअली मेरे को ओपन दिखा रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आपके लिए यहाँ पे इंस्टॉल दिखाएगा, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद जो है इस प्रकार का जो है आपके पास आइकॉन आ जाएगा, WPS को ऑफिस को आप ओपन करेंगे, काफ़ी सारे फॉर्मेट्स इसमें आपको मिलेंगे रिज्यूम के। आपको जो है कहीं किसी दूसरे दुकान पे या किसी शॉप पे जाके जो है रिज्यूम बनवाते हैं आप, तो 30-40 रुपये वो लेते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो है आराम से WPS एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, यहाँ पे आप जो अपने मोबाइल में ही सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, रिज्यूम आप आसान तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें आप जैसे ही यहाँ पे ओपन करेंगे, इस प्रकार का एक डैशबोर्ड ओपन होगा, इसमें आप कुछ नीचे देख सकते हैं रिसेंट क्लाउड टूल्स टेम्पलेट्स मी का ऑप्शन दिया हुआ है। टेम्पलेट्स पर आप जाएंगे, तो यहाँ पे आपको देखिए ऊपर जो है फर्स्ट जो है रिज्यूम का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मेट्स आ जाएंगे, कम से कम जो है आपको इसमें जो है अप्रॉक्स 32 से अब ऊपर जो है आपको जो है इसमें फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है उस फॉर्मेट को आप उठाइए, एडिट कीजिए और अपना जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, रिज्यूम अपना जो है तैयार कर लीजिए, ठीक है। देव रिज्यूम है, स्मार्ट रिज्यूम है, रेड रिज्यूम है, ब्लू बेसिक ग्रेजुएट्स रिज्यूम है। मान लीजिए मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल समरीज, सर्टिफिकेशन, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, पर्सनल स्किल्स, यहाँ पे आपको जो है प्रोफाइल फ़ोटो भी आपको जो है यहाँ पे आप अपनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए नीचे जो है पर्सनल रिज्यूम है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आप इसमें आपको फॉर्मेट अच्छा लगेगा आप उसे सेलेक्ट कीजिए, और कैसे एडिट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कोई एक रिज्यूम हम उठा लेते हैं, मान लीजिए सिंपल रिज्यूम हम उठाते हैं, ठीक है। सिंपल रिज्यूम को यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूज़ नाउ का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। और कोई भी ईमेल आईडी आप लॉगिन कर लीजिए, जैसे कि मैं साइन गूगल से कर ले रहा हूँ, जो अभी हमारा लॉगिन है फिलहाल में उसी से वो कर लेगा, ठीक है। होपलेस पर मैं कर लिया, मैंने साइन अप आपको करना होगा, ठीक है। अब यूज नाउ पे हमने क्लिक किया, ओपन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे आप अगर अपनी इमेज लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से आप अपना इमेज जो है लगा सकते हैं। चेंज इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उस पर वन क्लिक करने के बाद, और मान लीजिए इसमें से मैं फ़ोटो कोई ले लेता हूँ, कैमरे में जाता हूँ मैं, और ये इमेज माना मैंने ले लिया, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इस पर चेक मार्क पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, और ये हमारा यहाँ पे इमेज आ गया, ठीक है। आसान तरीके से आपने देखा यहाँ पे हमने इमेज प्रोफाइल इमेज अपनी लगा ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका नाम जो है एडिट करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, नेम पे क्लिक करेंगे, इसको आप हटाइए, उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए, जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ,
ठीक है, ओके कर दिया, बैक आते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना नाम डाल दिया। वैसे यहाँ पे आप एड्रेस को आपको चेंज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एड्रेस आप चेंज कर देंगे, जो भी आपका एड्रेस है। तो यहाँ पे हमने एड्रेस डाल दिया इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन आपका जो है, आपका जो भी एजुकेशन आपने किया है, जो इंटर है, इंटरमीडिएट है, हाई स्कूल है, और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर आपका है तो यहाँ पे आप जो भी क्वालिफिकेशन आप डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका जो भी है, यहाँ पे आप अपनी एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। पर्सनल वर्क जो है, आप यहाँ पे जो भी आपका है वो आप यहाँ पे पूरी तरह से एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे आप जो है अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है, रिज्यूम की स्किल्स जो है आपकी, यहाँ पे आप स्किल्स अपनी डाल दीजिए, ठीक है। डालने के बाद जो है आपको जो है यहाँ पे डन का ऑप्शन है, डन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक डन हो जाएगा। और इसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कैसा ये दिख रहा है। तो यहाँ से आप इस प्रकार से अपना रिज्यूम आप क्रिएट खुद का कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी रिज्यूम है, जिसको हम कट करते हैं, किसी दूसरे का रिज्यूम है और आप उसे यूज़ करके जो है अपनी अपना उसमें मतलब एडिट करके आप अपना बनाना चाहते हैं, तो जैसे अगर आपके मोबाइल में रिज्यूम किसी का भी होगा, एनी पर्सन किसी का भी, यानी आप उसके रिज्यूम पर आप जब इस WPS को ओपन करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक जो है फर्स्ट पेज पे ही आपका जो रिज्यूम अगर आपके मोबाइल में है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे ये देखिए हमारे में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। अब इसको हम ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लेटेस्ट फाउंड राइट सेल्स दिया हुआ है। देखिए रिज्यूम सारा हमारा ये जो मेरा था ओपन हो गया, ठीक है। उस पिछले वीडियो में मैंने बना रखा है इस पर कि कैसे एडिट करना है, खैर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये रिज्यूम खुल गया है। अब यहाँ पे आप जो भी चीज़ एडिट करना चाहते हैं आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। उस पर आप क्लिक करेंगे, एडिट पे आप पहले क्लिक कर लेंगे, ठीक है। एडिट मोड में आ गए। अब जो है इसको आप जूम कर लीजिए। जूम करने के बाद देखिए यहाँ पाउंड मार्जिंग पे है, इसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपली आप जो है हटा दीजिए। और यहाँ पे जो भी आपका नाम मान लीजिए ASHOK अशोक कुमार है, अशोक कुमार आपने डाल दिया, ठीक है। अब जो है मान लीजिए कि पिन कोड आपका चेंज करना है तो पिन कोड पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। सिंपल आसान तरीके से आप जो है जो भी करना चाहते हैं यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये डाल दिया। कॉन्टैक्ट नंबर आप चेंज करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर लीजिए। यहाँ पे जो कोई क्वालिफिकेशन स्किल्स जो है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th UPI बोर्ड, यहाँ पे अगर आपने जो है ये 2005-04 में हमने क्वालिफाई किया है, तो अब इसको आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे सीधे इसको कट कीजिए। कट करने के बाद आपने अगर 2006 में किया है तो आप यहाँ पे 2006 या 2007 एंटर कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद बैग आ जाइए। अब एक्सपीरियंस यहाँ पे है, वर्क एक्सपीरियंस आप जो भी डालना चाहते हैं आपने डाल दीजिए, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है। प्रोफेशनल स्किल्स आपकी जो है क्या क्या है यहाँ पे डाल सकते हैं। स्ट्रेंथ आप डाल सकते हैं, स्मार्ट वर्किंग, पॉजिटिव थिंकिंग, मैंने डाला, ये आप चेंज कर सकते हैं। हॉबी भी आपकी जो हॉबी है वो डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है आपकी जो भी है, पर्सनल डिटेल्स में आपके यहाँ पे आ जाइए। फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, सेक्स मेल हैं फीमेल हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप जो है सब एडिट कर सकते हैं। आप आसान तरीके से बस इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे एड्रेस पे, तो इस पर आप इसको कट कीजिए। आप अगर इंग्लिश डालना चाहते हैं तो हिंदी हटा दिया आपने, इंग्लिश यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे आप नाम चेंज कर लीजिए। सारी चीज़ें आप आसान तरीके से इसमें चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद जैसे ही आप डन पे क्लिक करेंगे ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं डिस्कार्ड करता हूँ, सेव नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार से आप जो है रिज्यूम जो है आसान तरीके से इसमें आप एडिट कर सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं। आपको किसी दूसरे के यहाँ जाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे रिज्यूम आपका बन गया, आराम से जाइए इसको और कहीं भी किसी भी शॉप पे, अगर ऑनलाइन शॉप पे जाते हैं वहाँ पे आप इसको व्हाट्सअप कर दीजिए, इसको सेव करके रख लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, वो आराम से निकाल देंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों, अगर आपको ये रिज्यूम कैसे बनाना है, क्या है और कितने प्रकार के रिज्यूम है, आपको मैंने सारी चीज़ें दिखा दी यहाँ पे मैंने कि कौन कौन सा रिज्यूम है और कितने फॉर्मेट्स हैं। यहाँ पे टेम्पलेट में आप जाएंगे, रिज्यूम पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे से अच्छे आपको जो है रिज्यूम आपको जो है मिल जाएंगे, जिसे बेहतरीन रिज्यूम जो कहा जाता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको जो है कलरफुल है, काफ़ी अच्छा है,
जिसमें एक बार इसको हम ओपन कर देते हैं, यूज नाउ करते हैं। देखिए ये आ गया। अब इसको आप जहाँ भी जैसे भी एडिट करना चाहते हैं आप आसान तरीके से एडिट कर सकते हैं। कुछ भी इसमें चेंजिंग करनी है वहाँ पर ले जाके क्लिक कीजिए और कट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ये आपका कट जाएगा। अब आप जो भी यहाँ पर डालना चाहते हैं डाल के यहाँ पे डन करके सेव कर लीजिए, ठीक है। तो यही था दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल होप प्लस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे ही देख रहे हैं मेरा सब्सक्राइबर काफ़ी कम है, जितने व्यूवर्स हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो है उसका समझिए कि मेरे पास 10% भी सब्सक्राइबर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अप्रॉक्स जो है 5 लाख कुछ व्यूवर्स हैं हमारे, लेकिन जो है सब्सक्राइबर्स की बात किया जाए तो केवल मेरे पास अभी 3000 ही सब्सक्राइबर हैं। तो मतलब जो है उसके 5 या 6% भी जो है व्यूवर्स जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे को कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। बाय बाय।